कोरोना महामारी के शुरू होते ही सभी व्यवसाय संकट में आ गए हैं। वहीं रोजी रोजगार को लेकर होली के मद्देनजर चिकन मार्केट पर भी खतरा मंडरा रहा है। कोरोना और बर्ड फ्लू के कारण लोग नॉनवेज से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में हर साल होली पर्व पर होने वाला मटन चिकन का व्यवसाय क्या ठीक से हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। व्यापारी इसको लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। उम्मीद तो अपना अच्छा है सर, लेकिन अभी अपना होली तो अच्छा जाने का संभावना है, लेकिन रह गया बात कि वो राज्य पे ना करुणा करुणा बोल रहे हैं, तो अपने को डर लग रहा है कि फिर अगले साल टाइप का 10 रुपये केजी मत हो जाए बोल के। हाँ, 2-3 लाख रुपये का नुकसान हुआ था, मेरा छोटा दुकान है इसलिए, और बड़ा दुकान वाले को तो 10-10 लाख 12-12 लाख रुपये हुआ था सर। इस साल का उम्मीद लेके चल रहे हैं कि अभी तक के तो सही है अपना छत्तीसगढ़ कोरबा पे, कि अभी तक कोई ऐसे नहीं है जो कि कोरोना का संभावित हो, लॉकडाउन की स्थिति होने का बोलते हैं, लेकिन मेरे को अभी भरोसा नहीं है कि लॉकडाउन होगा। इस बात की भी आशंका बनी हुई है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस होली में उनका व्यवसाय अच्छा हो सकता है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।